करेक्टर इस समय कहाँ है, जिन्होंने सीता का रोल किया, राम का रोल किया, कैकेयी का रोल किया, हनुमान का रोल किया, वो कहाँ हैं और कैसे हैं, तो आइए हम जानते हैं उनके बारे में। अरुण गोविल जी, जिन्होंने राम जी का किरदार किया था, वो इस समय 64 ईयर के हो चुके हैं और अभी भी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, किसी न किसी कार्यक्रम में वो जरूर दिख जाते हैं। दीपिका चिखलिया, जिन्होंने सीता जी का रोल किया था, वो इस समय 54 ईयर की हो चुकी हैं। ललिता पवार, जिन्होंने मंथरा का रोल किया था, उनकी मौत 1998 में हो चुकी है। पद्मा खन्ना, जिन्होंने कैकई का रोल किया था, अब वो गुमनामी के अंधेरे में खो चुकी हैं। इस वर्ष वो 74 वर्ष की हैं, जिंदा भी है लेकिन उन्हें अब कोई नहीं जानता कि वो कहाँ पर हैं। सुनील लहरी, जिन्होंने लक्ष्मण जी का रोल किया था, वो अभी 66 ईयर के हो चुके हैं और अभी भी कहीं ना कहीं किसी फंक्शन में ज़रूर दिख जाते हैं। तारा सिंह, इनको तो आप सभी जानते ही हैं, जिन्होंने हनुमान जी का रोल किया है, उनकी अब मौत हो चुकी है। बाल धुरी दशरथ जी, इन्होंने दशरथ जी का रोल किया और अभी वो 78 ईयर के हो चुके हैं। जयश्री गढ़कर, कौशल्या जी का जिन्होंने रोल किया था, 66 वर्ष की आयु में उनकी मौत हो चुकी है। अंजलि व्यास, उर्मिला जी का जिन्होंने रोल किया था, वो इस समय 48 वर्ष की हो चुकी हैं और अभी भी कहीं ना कहीं किसी फंक्शन में कार्यक्रम में जरूर दिखती हैं। अरविंद त्रिवेदी, इनको कौन नहीं जानता है, रामायण में रावण का रोल करने वाले पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको इतनी पॉपुलरिटी मिली, उनकी 82 वर्षों में मौत हो चुकी है। विजय अरोरा जी ने इंद्रजीत का रोल किया, इनकी मौत 62 वर्ष में ही हो गई थी। नलिन देव जी ने कुंभकर्ण का रोल किया, 50 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। मुकेश रावल, जिन्होंने विभीषण का रोल किया था, 65 ईयर में इनकी मौत हो चुकी है। अपराजिता भूषण, जिन्होंने मंदोदरी का रोल किया, अब वो 68 वर्ष की हो चुकी हैं। मूलराज राजदा, जिन्होंने जनक जी का रोल किया, 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो चुकी है। रेणु खानोलकर, जिन्होंने सुरपंखा का रोल किया, कांग्रेस की नेता है इस समय वो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।